आ जा क्या किया जा रहा है, किस लिए तिरंगा यात्रा? ये तिरंगा इसलिए लगाया जा रहा है, तिरंगे का सरकार बोलती है किसान आदर मान नहीं करता। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं तिरंगे के साथ जिम्मेदार छोड़ नहीं सकता। जो भी किसान है वो अपने जो अपनी अपने भारत की जनता के लिए अन्न पैदा कर सकता है वो तिरंगे का अपमान नहीं करेगा। वो सरकार बोलती है ट्रैक्टर पैसे जा रहे हैं, रोड बहुत जाम हो गया, इस करके हमको जहाँ खुला था मिला हमने ट्रैक्टर साइड पर लगाए हैं, उसको सरकार बहुत गलत एक्शन दे रही है। नेट बंद होने के लिए जो गोदी मीडिया है वो गलत प्रचार कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आकर देखो हमारा सक्सेसफुल है और 30 किलोमीटर तक हमारा जाम पूरा है। थोड़ा पीछे पूरी सरकार को एक संदेश दिया किसानों ने कि किसान तिरंगे का जितना सम्मान करता है उससे ज़्यादा कोई दुनिया में देश में कोई नागरिक नहीं करता होगा। और किसान 5 लाख ट्रैक्टरों के ऊपर 10 लाख तिरंगे लगा करके पूरे सम्मान के साथ यात्रा में गए। दिल्ली के पूरे दिल्ली परिवार ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, ताड़ियां बजाई, बहुत बड़ी मात्रा में लोग ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। लेकिन सरकार ने एक खरीदा हुआ इंसान से झंडे के साथ छेड़छाड़ करवा करके राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए हमें किसान परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। ये संदेश हम देना चाहते हैं पूरे देश को, किसान से बड़ा देश प्रेमी नहीं है। किसान के बेटे 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 1999 का युद्ध हो, जब भी किसी देश के ऊपर कोई विपत्ता आई किसान के बेटे तिरंगे में लपेट करके किसान के घर के ऊपर पहुंचे। किसी व्यापारी पूंजीपति अंबानी अडानी या मोदी के बेटे नहीं पहुंचे। हम देश के असली रखवाले हैं और ये आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश सरकार ना करे, भ्रमित ना करे। हम आंदोलन को लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक इस आंदोलन को हम जीत नहीं जाते। देखिए नेता सरकार जब घबरा जाती है तो झूठे मुकदमे लगाने शुरू कर जाती है, इसीलिए सरकार इसका मतलब घबरा चुकी है किसानों से, इसीलिए नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। मुकदमों से हम नहीं डरते, मुकदमे चाहे और भी दायर कर ले, जब तक हम इस आंदोलन को जीत नहीं लेते घर नहीं जाएंगे। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। चौधरी घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज हम ये तिरंगा यात्रा जो निकाली है ये केंद्र सरकार को ये दिखाने के लिए निकाली जा रही है कि ये जो हमारे को खालिस्तानी पाकिस्तानी तरह तरह के ढोंग रचने का जो सरकार कार्य कर रही है, हमने ये साबित कर दिया है कि ये किसान देश का अन्नदाता, देश का पेट भरने वाला, जो देश की राजधानी के अंदर 26 तारीख को जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी किसान के पुत्र के द्वारा, पहली बार यात्रा निकाली गई थी। ऐसी अनोखी यात्रा इतिहास में आज तक कभी ना निकली है, ना भविष्य में ऐसा कभी निकलेगी। दिल्ली वासियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन मेरी माता बहनों ने छतों के ऊपर से जो फूलों की वर्षा किसान के बेटे पर की है, ये ऐतिहासिक बात है। जो दिल्ली के अंदर जो दिल खोल करके दिल्ली वालों ने दिखा दिया कि दिल्ली दिल वालों की है, वास्तव में दिल्ली दिल वालों की है। ये किसान के बेटे के लिए दरवाजा खोल दिया, चाहे वो लैटरिन का है, बाथरूम का है, जो कुछ भी था वो सब इस किसान के साथ खड़े हैं। लेकिन जो जिस किसान ने देश की सरकार को बनाया था वो सरकार आज किसान के साथ नहीं खड़ी है, उन्होंने किसान की हत्या करने का प्रयास किया है, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया करने का। जो लाल किले पर झंडा फहराया गया है वो किसान के द्वारा नहीं, सरकार की सुनियोजित नीतियों के द्वारा फहराया गया है। उस व्यक्ति पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई जो
देश के किसान पर झंडा फहराता है और जो जितने भी हमारे किसान साथी थे उन पर देशद्रोह के राजद्रोह के मुख में फहराए गए, जय जवान जय किसान साथी। आ गया भाइयों, ये आप तो बेस्ट।